वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है यामा कंपनी का भारसेस 2 R15 बाइक। और ये जो बाइक आया है यानी कि तीन मैकेनिक देखने के बाद ये बाइक मेरे पास आया है। बोल रहा था कस्टमर कि साजीर भाई इस बाइक को मैंने काफ़ी सारे जगह पर दिखाया लेकिन ये जो बाइक है कोई भी मैकेनिक स्टार्ट नहीं कर पाया। तो फाइनल जो मेरे पास R15 बाइक आया है और वीडियो की जरिए से आप लोगों को दिखाऊंगा जो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है और इस बाइक में क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो R15 बाइक में जो हम लोगों का प्रॉब्लम होता है वायरिंग रिलेटिव, यानी कि FI सिस्टम है, अगर बाइक में हम लोगों का करेंट नहीं आएगा तो भी बाइक स्टार्ट नहीं लेगा और फ्यूल पम्प हम लोग को वर्क नहीं करेगा तो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे इस बाइक में इस इग्निशन लाइन ख़राब है या फ्यूल पंप की समस्या है, जो फ्यूल की लाइन है इंजेक्टर का लाइन है ये सब काम कर रहा है कि नहीं। बाइक FI इंजन में अगर इंजन कंप्रेसर हम लोग का सही रहे, इग्निशन लाइन सही रहे, फ्यूल का लाइन सही रहे तो बाइक 100% स्टार्ट होगा। अगर इंजन का कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, इग्निशन करंट नहीं आएगा, फ्यूल पम्प की फ्यूल सप्लाई नहीं आएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो इस बाइक में तीन चीज़ हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा था, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे इस तरह का वीडियो इस तरह का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक का जो इग्निशन लाइन है वही हम लोग चेकअप करेंगे। तो चलो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है पहले हम लोग करेंट चेकअप करेंगे। चलो मारो सेल मारो, दिखाई दे रहा है ना। रुको 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 रुको, बाइक में जो इग्निशन लाइन करंट है वो बिल्कुल बराबर सही है। अब दूसरा स्टेप जो है हम लोग चेकअप करेंगे बाइक में कंप्रेसर है कि नहीं। स्पार्क प्लग खोला और इसका छेद में मारेंगे और सेल्फ का ही पेक करो कंप्रेसर आ रहा है कि नहीं चेक करें। बस 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 बस, तो फटस फटस करके हमारा हाथ जो है ठेल रहा है यानी कि इंजन भी हो गया है इग्निशन लाइन भी हो गया है। अब सवाल है हम लोग का फ्यूल का लाइन देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लोगों का टैंकी का फ्यूल पंप की हम लोग का कपलर है इसमें आप लोग को चार वायर देखने को मिलेगा, दो वायर जो है यानी कि फ्यूल चेक करने के लिए और दो फ्यूल पंप के लिए, और यहाँ जो है दो वायर है गाइस। इसमें हम लोग का फ्यूल इंजेक्टर में हम लोग का वोल्टेज जाएगा और ग्राउंड जाएगा, कहाँ से जाएगा सब मैं आपको डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो फ्यूल पम्प में हम लोग का वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ब्राउन कलर की वायर और रेड में वाइट कलर की वायर, इसी साइड में दो वायर है और ये हम लोग का फ्यूल मापने का है। तो हम लोग एक एक करके वायर अटैच करेंगे यहाँ। अब हमने लैंप लगाया है, अब देखिए इग्निशन वन अगर हम लोग करें तो यहाँ हम लोग का वोल्टेज आएगा कुछ देर के लिए फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद हो गया, बंद हो गया ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ आपने देखा, इग्निशन ऑन करने में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है और सेल्फ का इफेक्ट करने में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो बाइक में हम लोग का लोचा है, दिक्कत है, वही हम लोग को देखना है क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इस कपलर में भी हम लोग चेकअप करेंगे जो यहाँ सेल्फ मारने में हम लोग का फिल्मिंग जल रहा है कि नहीं वही चेकअप करेंगे। एक एक करके वायर हमने यहाँ अटैच कर दिया है। अब बाइक का जो हम लोग का सेल्फ स्टार्ट है इसको हम लोग मारेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ लाइन जलना चाहिए तभी इंजेक्टर जो है वर्क करेगा, अगर लाइन नहीं जलता है तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ वोल्टेज हम लोग का नहीं आ रहा है। अब हम लोग खाली वोल्टेज चेकअप करेंगे गाइस। देखिए यहाँ जो रेड में वाइट कलर की वायर है इसमें खाली वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वही चेक करेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक वायर को हमने यहाँ लगाया और एक वायर कहीं भी बॉडी के साथ संपर्क करेंगे और यहाँ जल रहा है, चाबी बंद करो, चाबी दो, एक कील स्विच ऑफ करो। तो यहाँ से हमने क्या क्या चेक किया यानी कि कील स्विच भी हम लोग का सही है और चाबी बंद करो, यहाँ से हमने कील स्विच भी चेकअप हो गया है और इग्निशन स्विच भी चेकअप कर लिया है। तो यहाँ हमको वोल्टेज सही मिल रहा है और फ्यूल पम्प भी वोल्टेज सही मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्यूल पम्प की जो वोल्टेज है रेड में वाइट, यहाँ भी आप लोगों को वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखो इग्निशन ऑन करने में ही आप लोगों को डायरेक्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा।
अब ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोग को आती है एसीएम होकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स एसीएम से ग्राउंड नहीं आ रहा है, वही हम लोगों को गौर करना है और चेक करना है। एसीएम से कहां से आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां वोल्टेज दिखा दिया, तो वोल्टेज बराबर आ रहा है, ठीक है। अब सवाल है लैंप क्यों नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वायर है ये ग्राउंड आएगा कहाँ से, एसीएम होकर आएगा। अब एसीएम को कौन देता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ का कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, जो इंजेक्टर से एसीएम तक कॉन्टिन्यूटी सही है कि नहीं। तो गाइस यहाँ देखिए ऑरेंज में ब्लैक कलर की वायर, और इस कपलर में आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा ऑरेंज में ब्लैक कलर की वायर। तो इस कपलर को हम लोग ओपन करेंगे और इसका कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेकअप करेंगे। चलो इसका कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेकअप करेंगे यहाँ से कॉन्टिन्यूटी करो मल्टीमीटर को। अब एक वायर जो है गाइस इसका यहाँ लगाएंगे और एक इसी के जगह में लगाएंगे, तो इसका कॉन्टिन्यूटी भी बराबर सही आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी बराबर सही आ रहा है। अब सवाल है वोल्टेज भी जा रहा है, इसका कॉन्टिन्यूटी भी सही है, अब ग्राउंड क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको वो भी डाउट दूर कर देता हूँ। एसीएम से हम लोग का ग्राउंड जाएगा कब, जब हम लोग सेल्फ का यूपीएक करेंगे तभी जाएगा, और जब हम लोग सेल्फ का यूपीएक नहीं करेंगे तो ग्राउंड नहीं जाएगा। और बाइक जब स्टार्ट होता है उसी दौरान हम लोग का ग्राउंड जाएगा, तभी हम लोग का इंजेक्टर काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो समस्या है वही एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ये सब फिट करके, क्योंकि मैंने यहाँ वोल्टेज भी चेकअप कर लिया है और सब चेकअप कर लिया। खाली आप लोग को हम दिखाएंगे फ्यूल पंप से हम लोग का फ्यूल आ रहा है कि नहीं, फ्यूल पंप भी हम लोग का ख़राब हो जाता है, तो वही आप लोगों को दिखाता हूँ। टैंकी लाइए। सबसे पहले आप लोगों को फ्यूल पंप वर्क कर रहा है कि नहीं वही दिखाएंगे। एकदम फ्यूल पंप ऑफ करें, सेल मारेंगे। इग्निशन ऑन करने में हम लोगों का यानी कि वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन सेल्फ जब हम लोग मार रहा हूँ देखो उसी दौरान हम लोगों का वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी दौरान अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो हम लोगों का बाइक में जो हम लोगों का स्टार्ट नहीं होगा। तो एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो कनेक्शन है इसको हम लोग लगाएंगे और इसका कपलर यहाँ हम लोग लगाते हैं। अब इसी जगह हम लोग देखेंगे फ्यूल पंप की छिड़कान आ रहा है कि नहीं। इग्निशन को ऑफ ऑन करेंगे। अब यहाँ हम लोगों का आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ हम लोगों का जो वोल्टेज है नहीं आ रहा है और फ्यूल पंप की छिड़कान भी नहीं आ रहा है। अब सवाल है इसी जगह हम लोगों का फ्यूल की छिड़कान है अगर नहीं आता है तो उस दौरान आप लोग क्या करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे टैंकी को आप लोग साइड में रखो, रुको। टैंकी साइड रख दो। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ आप लोगों को ग्राउंड नहीं मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसा रीजन में आप लोगों को एसीएम ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। एसीएम में कॉन्टिन्यूटी हमने चेकअप किया इसका, ठीक है। अब एसीएम ग्राउंड की नहीं दे रहा है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो रिले है, रिले का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक बैटरी वोल्टेज का है। यहाँ देखिए रिले कितने प्रकार का है, यहाँ जो आप लोग को एक फ्यूज़ देखने मिलेगा और रिले देखने मिलेगा, ये सेल्फ के लिए है। यहाँ जो वोल्टेज आता है यानी कि बैटरी का वोल्टेज इग्निशन होके जाता है, अगर यहाँ फ्यूज कट जाएगा तो बाइक में पूरा डीसी वोल्टेज आना बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग का डीसी वोल्टेज बराबर सही आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हम लोग का यानी कि सेल्फ का रिले जो है सेल्फ के लिए है। यहाँ जब भी हम लोग वोल्टेज यूज करेंगे सेल्फ हम लोग का काम करेगा, ये अगर रिले ख़राब हो जाता है सेल्फ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो रिले आप लोग दिख रहा है ये हम लोग का जो कूलिंग फैन होता है, फैन अगर नहीं चलेगा तो इस रिले को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ग्राउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक हम लोग का ये जो कपलर है ये बैक एंगल सेंसर का है। बैक एंगल सेंसर का काम क्या है, जब बाइक हम लोग का उलट जाता है तो उसी दौरान ऑटोमेटिक हम लोग का फ्यूल पंप में फ्यूल की आना बंद हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाता है। तो
इस कपलर में एक क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये किसी ने लगाया है, इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये जो है बैक एंगल सेंसर है हम लोगों का, ये किसी ने इसी तरह से खोल लिया है, खोलने के बाद इसको लपेट दिया है तो ये हम लोग का बैक एंगल सेंसर ये ख़राब हो जाएगा तो भी ऐसा दिक्कत होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैक एंगल सेंसर को नया लगाएंगे, मार्केट में मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी। तो चलो मार्केट में जाता हूँ और बैक एंगल सेंसर का लाने का उपयोग करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स बैक एंगल सेंसर जो है मुझे मार्केट में नहीं मिला, मेरे फ्रेंड के पास एक बाइक था उससे मैं खोल के लाया हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो इग्निशन को बंद करता हूँ और बैक एंगल सेंसर यहाँ हम लोग अटैच करेंगे और इसको हम लोग UP लिखा हुआ है उसको ऊपर पोजीशन इसी हिसाब से लगाना है, तो इसको पकड़ के रखो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ग्राउंड आ रहा था नहीं आ रहा था वही हम लोग चेकअप करेंगे। वो लैम दीजिए, अब यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे जो यहाँ हम लोगों का लैम्प जल रहा है कि नहीं। हल्का हल्का लैम्प जलेगा, तो फ्रेंड्स आप लोग दिख रहा है थोड़ा नज़दीक करो, लैम्प हम लोगों का हल्का हल्का जल रहा है, हल्का हल्का जल रहा है, तो यानी कि अब हम लोग का इंजेक्टर जो है वो वर्क करेगा और काम करेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, टैंकी लाइए। यहाँ हम लोग का वोल्टेज ये फ्यूल आ रहा है कि नहीं वही दिखाएंगे ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इग्निशन ऑन करेंगे, वोल्टेज आ रहा है एकदम बराबर आ रहा है। देखो अब सेल्फ का ही उपयोग करेंगे, देखो बस 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 सेल्फ का उपयोग करने भी में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है यानी कि फ्यूल पम्प काम कर रहा है। अब इस कपलर को हम लोग यानी कि अटैच करेंगे, अटैच कर लिया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसका जो छिड़कान है यहाँ आ रहा है कि नहीं, दो चार बार चाबी को ओपन करेंगे क्योंकि फ्यूल आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एकदम हम लोग का फ्यूल आने लगा, थोड़ा सेल्फ मारो देखिए, बस 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 अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता, बाइक हम लोग का 100% स्टार्ट हो जाएगा और 100% हो जाएगा। तो चलो ये सब फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने टैंकी इंस्टॉल कर दिया है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा डायरेक्ट। चलो इग्निशन को ऑन किया, अब देखिए बाइक हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली बाइक जो है हम लोग का स्टार्ट हो गया, बंद करते हैं, बंद। अब यहाँ देखिए ये जो सेंसर है ये सेंसर हम लोग का ख़राब होने का कारण ही ऐसा हुआ है, बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बैक एंगल सेंसर का काम क्या है कैसे किया है वही मैं आपको बताता हूँ। अगर गलती से आप लोग यानी कि बैक एंगल सेंसर का कपलर आप लोग ओपन कर लेंगे तो बाइक हम लोग का यानी कि बंद हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो मैंने खोल लिया है और इसको आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए बाइक हम लोग का स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बैक एंगल सेंसर मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो ग्राउंड जाती है ACM से यहाँ से पास होकर जाती है। तो फ्रेंड्स अगर मन में आप लोगों का सवाल है कि ये जो बैक एंगल सेंसर खोल के और बाईपास कर देंगे नहीं मिल रहा है तो ये आप लोग मत सोचिए, ये बैक एंगल सेंसर के बगैर बाइक स्टार्ट नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ जो बैक एंगल सेंसर हम लोगों का बाईपास होगा कि नहीं। चाबी बंद करो, यानी कि इस वायर को यहाँ लगाता हूँ ठीक है और चाबी ऑन ऑफ करेंगे, नहीं हो रहा है ठीक है, फिर भी चाबी ऑफ ऑन करेंगे और यहाँ लगाता हूँ,
यहाँ भी नहीं हो रहा है, चाबी बंद करेंगे। अब इस कपलर को यहाँ लगाएंगे। तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा रीजन में अगर आप लोग बाईपास करना चाहते हो तो आप लोगों का बेकोपी है, बाईपास आप लोग कर नहीं सकते। इसके लिए आप लोगों को बैक एंगल सेंसर लगाना ही पड़ेगा, तभी बाइक हम लोग का वर्क करेगा, ठीक है, तभी वर्क करेगा और बाइक हम लोग का जो है एकदम बेहतर से बेहतर चलेगा। अभी हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे, बाइक हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, अगर कोई भी मैकेनिक बैक एंगल सेंसर ओपन कर लेता है या इसे उल्टा देता है, इसका पोजीशन सही नहीं रखता है, तो क्या होता है, बाइक में हम लोग का फ्यूल पंप की जो सप्लाई है वो आना बंद हो जाएगा और फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। R15 जो वर्सेस 2 बाइक होता है, ये जो समस्या होता है, काफ़ी सारे आदमी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस बाइक का इंजेक्टर, फ्यूल पंप सब नया लगाने के बाद ही ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। और मेरे पास जब आया तो मैंने पूरा इसका बायोडाटा, पूरा डिटेल्स निकालने के बाद ही मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया। तो आप लोगों ने क्या देखा, बैक एंगल सेंसर आप लोगों को लगाना है। कहाँ लगाना है, यहाँ देखिए इसका पोजीशन जो है यही हम लोगों को शिफ्ट करना है गाइस। इसमें 2 नॉट होता है, इसी हिसाब से आप लोग बैक एंगल सेंसर को अटैच करके रख सकता है। अगर आप लोग गलती से भी इसको उलट देंगे तो बाइक हम लोग का स्टार्ट नहीं होगा। चलो कुछ डिटेल दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, यामा वर्सेस 2 जो बाइक है, अगर आपके पास आते हैं, करंट आते हैं, कंप्रेसर सही है, फ्यूल की सप्लाई अगर नहीं आते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले इग्निशन ऑन करने के बाद यानी कि फ्यूल पंप में वोल्टेज देखो। अब फ्यूल पंप में जो हम लोग का कनेक्शन है फ्यूल का, वो खोल के यानी कि सेल्फ का ईपीए करके देखो, वहाँ फ्यूल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो समझना है आप लोगों को, वोल्टेज चेकअप करना है। वोल्टेज अगर कंटिन्यू आ रहा है, अगर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो ग्राउंड एसीएम से होकर आता है, एसीएम अगर ग्राउंड नहीं छोड़ रहा है तो आप लोगों को क्या क्या देखना है, कंटिन्यूटी देखना है वायरिंग का। वायरिंग का कंटिन्यूटी सही है तो कभी कभी एसीएम भी ख़राब हो सकता था इस बाइक में, लेकिन एसीएम हम लोग का सही था। हम लोग का प्रॉब्लम था बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर का काम क्या है, ग्राउंड को पास करके यानी कि जैसे कि उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक डायोड बोल सकते हैं, एक रिले बोल सकते हैं, एक फ्यूज की तरह बोल सकते हैं, एक रेगुलेटर की तरह बोल सकते हैं। वो क्या करता है, भाया होके ग्राउंड यानी कि एसीएम तक आता है और एसीएम में जाता है। बाइक जब उलट जाता है तो वो ऑटोमेटिक ग्राउंड छोड़ देता है और बाइक का हम लोग का करंट जैसे कि फ्यूल के सप्लाई बंद हो जाता है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे मैकेनिक ने कोशिश करके देखा, देखने के बाद बाइक जब स्टार्ट नहीं हुआ तो मेरे पास आया, मेरा वीडियो देखा कि साजिद भाई वायरिंग रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाते हैं, तो शायद इसके बाद कुछ मुझे कुछ हल मिलेगा, इसीलिए मेरे पास ये बाइक आया था। और मुझे काम करने में जैसे कि 1 घंटा लगा और ये बाइक रनिंग हो चुकी है, तो कस्टमर अभी बहुत खुश होगा जो उसका बाइक मैंने रनिंग कर दिया है। तो मैकेनिक का काम है बिगड़ी हुई चीज़ को सही करना। तो आप लोग मेरे चैनल में टिके हो तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस तरह का वीडियो आप लोगों को काफ़ी सारे देखने को मिलेगा और मोटिवेशन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।